हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 6 के बच्चे के लिए है जिसमें हम लोग चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी से पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों ने शेप के बारे में बहुत सारा समझा, शेप और फिगर के बारे में कि लाइन सेगमेंट और एंगल्स परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, लेकिन इन सारे लाइन्स को किस तरीके से मेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए जो अलग अलग टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो टूल कौन कौन से हैं, जैसे रूलर है, डिवाइडर है, कंपास है, सेट स्क्वायर्स है, प्रोटेक्टर है, इन सब के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग लाइन सेगमेंट, अलग अलग फिगर्स, अलग अलग शेप्स हम लोग फॉर्म करते हैं। चलिए बारी बारी से इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है रूलर। रूलर क्या है, इसको आप नॉर्मल भाषा में स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 0 से लेकर 15 तक मार्किंग की जाती है। ठीक है, ये 0 है, ये वाला पॉइंट 1, 2, और इन सब के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन सब के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए 0 से लेकर 1 के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच की जो दूरी है वो एकदम सेम है। ये हमारा रूलर है। ये है डिवाइडर, है ना, जो कभी भी दो एंगल को डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसी दो पॉइंट को। ठीक है, ये हमारा कंपास है। ठीक है, इस कंपास की मदद से क्या करते हैं हम लोग, सर्कल बनाने में यूज़ करते हैं या किसी एंगल को कट करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा सेट स्क्वायर है। दो तरह का सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री बॉक्स में आराम से अवेलेबल होता है। तो ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो तरह के सेट स्क्वायर आते हैं, एक तो 45 45 90, यानी तीन एंगल। ठीक है, दो एंगल 45 45, ये देखिए 45, ये भी होगा 45 और ये 90 डिग्री का। तो ये जो सेट स्क्वायर है वो 45 45 90 का है, और ये वाला जो सेट स्क्वायर है वो 90 60 30 वाला है। ठीक है, 30 60 90, दो तरह के सेट स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी लाइन को पता करने के लिए कि वो लाइन पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्टर होता है। इस प्रोटेक्टर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा वो एंगल कितने डिग्री का है, कितने एंगल का फॉर्म हुआ है, इसकी मदद से हम लोग पता लगाते हैं। इसमें दोनों तरफ से जो डिग्री है वो लिखी जाती है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 0 10 20 30 40 ऐसे करते करते 180 तक गए हैं, और ये नीचे में भी देखिए 0 से लेकर 180 तक गए हैं। ठीक है, अगर इधर बाहर से देखेंगे तो यहाँ 0 है और ये बाहर में 180 है, यहाँ अगर देखें तो ये 0 है और इधर आकर ये 180 है। ठीक है, और ये बीच वाला जो है पॉइंट, ये 90 डिग्री से होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टूल्स था जिससे हम लोग ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। आपको ज्योमेट्री बॉक्स में भी ये सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 14.14A है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, वो भी 5.6 सेंटीमीटर का। देखिए तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन को मार्क करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक लाइन को ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट को खींच दी। ठीक है, एक लाइन खींच दी और यहाँ पर एक पॉइंट ली। ठीक है, अब जितना सेंटीमीटर बोला गया था, हम स्केल के मदद से अपने कंपास को, ठीक है ये मेरा कंपास है, निडल को रखेंगे 0 पर, और पेंसिल को, ये जो पेंसिल का निडल है ना, वो स्केल पे एक्स्ट्रापोलेट करके, यानी फैला करके उस पॉइंट को कहाँ पर ला देंगे, 5.6। क्वेश्चन में हमें 5.6 को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वैसे 6.7 दिया है, इसलिए यहाँ पर 6.7 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 5.6 बोला है। तो हम क्या करेंगे कि इस कंपास का एक निडल 0 पर रख देंगे और पेंसिल का निडल 5.6 पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी इसको खोलेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जब ये खुल जाएगा, अब क्या करेंगे कि एक निडल जो है वो पी पे रख देंगे, है ना, एक निडल पी पे रख देंगे, और
यहाँ पकड़कर हम लोग हल्का सा एक आर्क लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, पी पे पॉइंट रखकर पेंसिल से आर्क लगा दिए, ठीक है, वो भी 5.6 का। देखिए इसका सॉल्यूशन में कैसे बना हुआ, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, पॉइंट लिया ए, अपने कंपास को एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब स्केल की मदद से नाप लिया अपने कंपास को। कंपास को कैसे नापना है, मिडल को रखना है 0 पर और पेंसिल को रखना है 5.6 पर, नाप लिया, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नापा गया है, इस तरीके से नाप लिए, फिर स्केल को हटा लेंगे और इसको कहाँ उठाएंगे, इसके मिडल को, इसने पी पे रखा है लेकिन आपको कहाँ रखना है, ए पे रखना है, मिडल को ए पे रखना है और पेंसिल को इधर की ओर ऐसे आर्क काटना है। तो ये जो ए और बी रहेगा, ये जो दूरी होगी ये 5.6 होगा। इसी पे स्टेप्स लिखा गया है, ठीक है, मैंने जो किया है वो यहाँ पर स्टेप्स में लिखा गया है, इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, जहाँ पर 5.6 लिए थे यहाँ पर 7.3 लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट पी क्यू, ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाना है, पी क्यू उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फ्रॉम दिस कट ऑफ पी आर, पी आर कट करना है हमें 4.2 सेंटीमीटर का, और उसके बाद मेजर करना है आर क्यू को, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये लाइन जो होगा पी क्यू कितने सेंटीमीटर का, 6.4 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है ना कि पी क्यू 6.4 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, तो स्केल की मदद से, स्केल की मदद से क्या करेंगे कि स्केल रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, 0 पॉइंट से लेकर हम क्या करेंगे 6.4 पर एक मार्क लगा देंगे दोनों तरफ, और उन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन आ गया 6.4 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को सेट करेंगे, ठीक है, अपने कंपास को सेट करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से सेट किया गया है, ये देखिए है ना, अपने कंपास को सेट किया गया है, ठीक है, इसी तो इसको बोलते हैं सेट करना, ठीक है। तो कैसे सेट करते हैं, निडल को रखते हैं 0 पे और जितना सेंटीमीटर बोला जाता है उतने सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल को खोलेंगे, है ना, जितने सेंटीमीटर पे बोला जाएगा। तो देखिए कितने सेंटीमीटर पे बोला गया है, 4.2 सेंटीमीटर पे बोला गया है, तो हम उसे सेट कर लेंगे 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है हमें, हमें उस कंपास का एक निडल रखना है पी पे, कंपास का एक निडल रखना है पी पे, और जब हम सेट किए हुए थे जो हम लोग पेंसिल का, यानी अपने कंपास को, पेंसिल जिधर साइड है उधर साइड हम क्या कर देंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है, और ये जो पॉइंट आएगा यही हमारा आएगा आर, ठीक है। तो पी क्यू, पी आर जो है हमारा वो क्या हो गया, 4.2 सेंटीमीटर। ये देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, ये देखिए, देखिए पी आर हमारा हो गया 4.2 सेंटीमीटर, और उसके बाद अब हम लोग को मेजर कर देना है आर क्यू को, ठीक है। ये देखिए ये जो आर क्यू होगा उसको मेजर कर लेना है, तो आर क्यू को जब हम लोग मेजर करेंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अपने स्केल, स्केल के मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है कि इन दोनों की दूरी कितनी है। तो आर के पास स्केल का 0 पॉइंट रखना है और देखना है कि जो क्यू है वो स्केल का कौन से पॉइंट पर आ रहा है, तो 2.2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखिए 4, 5 दोनों सेम है, एक मैं बनाऊंगा और एक आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, वो खींचना है विच इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे देखिए पी क्यू है ना, एकदम पी क्यू के इक्वल हमको एक ए बी लाइन खींचना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले देख लिए पी क्यू कितना है, ठीक है, ये हमें चाहिए, तो हम क्या किए, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, एक पॉइंट पर ए लिख लिए, ठीक है। अब क्या किए हम, क्योंकि ये पहले से हमें पता है कितना है, ठीक है, तो हम अपने कंपास को यूज़ करेंगे, कंपास का एक निडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल का दूसरा निडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल का निडल रहेगा क्यू पर और कंपास का निडल रहेगा पी पर, और जब ये दोनों को हम लोग सेट कर लेंगे, देख लेंगे उसकी दूरी कितनी है, फिर अपन क्या करेंगे, अपने उसी कंपास को उठाएंगे, निडल रखेंगे यहाँ पर ए पर और पेंसिल के निडल को हम बी की तरफ आर्क काट देंगे, और ये जो आर्क कटा ये हमारा बी होगा, यानी ए बी जो होगा वो एकदम इक्वल होगा पी क्यू के, ठीक है।
ये पी क्यूब जितना सेंटीमीटर कितना बना हुआ है, जितना हमें ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर यही बनेगा, वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, यहाँ पर हम लोग दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। चलिए 6 में बना देता हूँ, 7 आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट खींचना है जिसका लेंथ क्या होना चाहिए 5.8, ठीक है। और फिर हमको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इक्वल भाग में बांटना है, ये देखिए है ना, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन हमारा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट हमारा ड्रॉ होगा जिसका नाम होगा पी क्यू, ठीक है। और वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 5.8 सेंटीमीटर का हम एक पी क्यू नाम का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम अपने कंपास को आधा से ज़्यादा, मतलब निडल यहाँ रखते हैं, ठीक है, और पेंसिल इतनी दूरी पर रख लेंगे, ठीक है, इतना। वैसे तो हमें पता नहीं है कि आधा कितना होगा, लेकिन हम लोग मोर देन हाफ लेते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ, ऐसा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने जो अपना कंपास है उसको एक्स्ट्रापोलेट, मतलब फैलाया है आधा से ज़्यादा। इतना तो आपको पता चलेगा ही, एग्जैक्ट आधा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ज़्यादा लिया है। तो आपको निडल को यहाँ पर रखना है कंपास के, और पेंसिल को खींच करके यहाँ तक ले आना है, ठीक है। और देखिए अब क्या करना है आपको, निडल यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर, लेकिन आपको मार्क कहाँ करना है, एक बार ऊपर की ओर ऐसे मार्क बनेगा, और उसी को नीचे में ऐसी एक बार इधर आर्क बनेगा, ठीक है। यानी निडल यहाँ है, पेंसिल को एक बार ऊपर की ओर लेके जाइए, इधर आर्क बनाइए, ऐसे आर्क बनेगा, ठीक है, और उसी बिना हिलाए निडल यहीं रहेगा, ठीक है, और इसको लाइए इधर, और इधर पे इसे ऐसे आर्क बनाइए। अब अपने कंपास को बिना हिलाए अपने निडल को अब रख दीजिए किस पे, क्यू पर, ठीक है, और फिर इधर की ओर आर्क काटिए, इधर ऐसे आर्क काटिएगा और फिर नीचे की ओर काटिएगा। तो आपको ये दिखेगा कि जब दो आर्क काटे तो जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मान लिए ए, और यहाँ पर जो आर्क कटा, ठीक है, यहाँ जो आर्क कटा उस पॉइंट को मान लिए बी, और इन ए और बी को आपस में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। और ये जो लाइन होगा वो पी क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल हाफ में बांट देगा, यानी पी ओ जो होगा वो हम इक्वल होगा ओ क्यू के, ठीक है, पी ओ जो होगा वो ओ क्यू के बराबर होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट खींचना है 5.8 सेंटीमीटर का, अपने कंपास को आधा से ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट करना है, फैलाना है, निडल को रखना है पी पर, पेंसिल को ऊपर की ओर आर्क काटना है, एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर। सिमिलरली वही काम को अब रिपीट करना है, अपने कंपास को हिलाना नहीं है, अब एक बार रखना है क्यू पे निडल को, और फिर ऊपर की ओर और नीचे की ओर आर्क काटना है। तो ऊपर की ओर आर्क जो काटे हैं तो वो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको ए बार मान लेना है, और नीचे की ओर जहाँ पर दो आर्क कटा उसको बी मान लेना है। ए और बी को स्केल के मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, वो स्ट्रेट लाइन इस पी क्यू को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की ओर से और बाइसेक्टर कर देगा, मतलब इक्वल भाग में बांट देगा। वो सारे स्टेप्स यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो 14A होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके, थैंक यू।